बीते दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद और 3 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही इलाके से गुजरती गाड़ियों और लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। अब इसी कड़ी में रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का बयान आया है। अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे जैसे पहले बनते थे। काफ़ी हद तक सरकार कामयाब हो गई है। हमारी सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आतंकवाद को कंट्रोल करने में, मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है। और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर के आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, ख़ासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट। तो इसलिए उनके पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती हैं, उनके पास जो सेटेलाइट होते हैं ऊपर लगे हुए, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। उनको पता रहता है कि कब ये आर्मी की व्हीकल मूव हो रही है, कहाँ पे मूव हो रही है, उसके हिसाब से ये मिलिटेंट्स को डिप्लॉय कर देते हैं, भेज देते हैं। कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है, इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस, बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके और वहीं से बैठ के ये एम्बुश करते हैं, वहीं से बैठ के ये घात लगाते हैं। जब से कश्मीर के अंदर आना शुरू हुआ, नॉर्मल सी आना शुरू हुई है, नॉर्मल हालात बनने शुरू हुए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, डेवलपमेंट की बात चल रही है, तब से पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चिंता बन गई है और वो इसको दोबारा से डिसअप करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जो सेना है ये काफ़ी सक्षम है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी। और इसलिए कि पाकिस्तान इतने दशक से आतंकवाद कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, जो बेसिक, वो उसमें कामयाबी नहीं मिली। वो चाहता था कि कश्मीर को इनस्टेबल कर दें, वहाँ के ऊपर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन फैला दें, अराजकता फैला दें, मगर इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और क्योंकि अधिकतर लोग आतंकवाद से नहीं जुड़े हुए हैं और भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, उनका हर चीज़ हज़ारों साल से भारत से जुड़ी हुई, वो भारत का एक अटूट अंग है, समझते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी शहर या किसी भी चीज़ को में आतंक फैलाने के लिए चंद लोग बहुत होते हैं और वहाँ पे तो काफ़ी लोग उनके पास मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर सूत्रों की माने तो लगभग 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए पूंछ राजौरी सेक्टर के ऊपर के जंगली इलाके में छिपे हुए हैं, जिसे लेकर पूरे इलाके को घेर कर ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।